देखें डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलकर यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम का हिस्सा बने और जाते संघ ही पहले टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका स्ट्रांग होना ये सबूत है इस बात का कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। बेंच स्ट्रेंथ आप नापते किस चीज से? अगर आप इस चीज से नापते हैं, इस चीज से तुलना करते हैं कि आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जाडेजा, ये जो दिग्गज खिलाड़ी है इनके अगर आप बेंच स्ट्रेंथ में इनका कोई ऐसा विकल्प ढूंढते हैं तो वो हाँ वो नजर नहीं आएगा। लेकिन ये ना भूलें कि जब ये लोग भी भारतीय टीम का हिस्सा बने थे तो इन लोगों ने जिनकी जगह अपनी जगह बनाई थी उस वक्त उनका भी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। तो इसलिए जब भी कोई बड़ा जूता जो भी खाली होता है उस जूते को भरना किसी भी पांव के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन जी हाँ, वो हमारे पास कैलिबर है, हमारे पास वो होनार खिलाड़ी हैं जो कि जिनको अगर आप मौका देंगे तो वो आगे चल के ये जरूर दिखा सकते हैं कि जी हाँ, ये जो कमियां आपको जो आगे चल के खलने वाली हैं उन कमियों की भरपाई की जा सकती है या शुरुआत जरूर की जा सकती है कि आप वो खिलाड़ी को अगर आप लंबी रस्सी दें तो वो आगे चल के ये जो कमियां जो आपको थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं उनकी भरपाई कर पाएगा। दो चीजों पे ध्यान देना होता है जब भी आप चेंजेस की बात करते हैं। एक कि टीम का संतुलन ना खोए, क्योंकि चेंजेस जब भी लाने होते हैं उस पर एक सबसे बड़ी ध्यान ये रखना होता है कि हाल में जो आपका जिस तरह का प्रदर्शन है, क्योंकि हर अब 2 साल का साइकिल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो शुरू हुई है आईसीसी के द्वारा, उसके फाइनल होते हैं, तो आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहे, आप मैचेस जीतते भी रहे और साथ साथ आप नए युवा खिलाड़ियों को मौका भी देते रहे। कभी भी ये हाल नहीं होना चाहिए कि एक सफाई कर दें आप एक साथ 4-5 खिलाड़ियों की और एक साथ 4-5 खिलाड़ी आप लेकर आए। जहां तक आपकी ये बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट से काफी ऐसे होनार खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं जिनको इंडिया ए का मौका मिलता है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर अभी पीछे हाल में वो भी टेस्ट स्क्वाड का एक हिस्सा है, वो अभी अनफिट है, एनसीए में है, तो उनकी वापसी हो सकती है टेस्ट क्रिकेट में। और भी ऐसे कई खिलाड़ी आगे निकल के आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट से। हर सीजन सीजन उनका परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 सीजन्स के बीच में का जो एक गैप होता है ना, उसमें वो खिलाड़ी किस तरह से काम करता है, कितनी मेहनत करता है, अपने खेल को किस तरह से अगले स्तर के लिए तैयार करता है, इस पे नजर डालनी बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक गैप है और वो हमेशा से रहा है, वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बार आपने अपनी धाक जमा ली, आपने 1-8 सीजन अच्छे रन बना दिए, उसके बाद ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो खिलाड़ी अपने आप को किस तरह से तैयार करता है अगले फेज के लिए, या वो अगला पड़ाव जो उसको चढ़ना है उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करता है। और तैयार होता है 2 तरह से, एक उसका अपना प्रदर्शन या अपनी तकनीक, और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है उसका टेम्परामेंट। दोनों तरह से जब तक वो खिलाड़ी तैयार नहीं होगा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हो सकता। पिछले कुछ सालों की आप बात करें, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करें तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रभावित किया है। अभी हाल में अभी हमने दिलीप ट्रॉफी का फाइनल देखा है, कवीरप्पा जैसा तेज गेंदबाज निकल के आया है कर्नाटका से, जिसने सेमीफाइनल में 5 विकेटें निकाली और 7 विकेटें फाइनल में उसने निकाली। हनुमा विहारी जो कि पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने दोनों इनिंगों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। प्रियम पांचाल जिसने उस पिच पे भी दिखाया कि अगर आप बल्लेबाजी करना चाहें तो किस तरह से बल्लेबाजी करके रन बना सकते हैं। मयंक अग्रवाल ने उससे पहले मैच में दोनों इनिंगों में अर्धशतक जड़ा था सेमीफाइनल में। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नहीं है, और कई नए खिलाड़ी भी निकल के आएंगे, अंडर 19 के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं या इमर्जिंग क्रिकेटर्स से कुछ ऐसे खिलाड़ी निकल के आएंगे जो अच्छा प्रदर्शन आपको करके देंगे। तो सीजन खत्म होने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि ये सीजन में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए, और फिर उनको अगले सीजन भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि उस जो पहले सीजन का प्रदर्शन या पिछले सीजन का प्रदर्शन रहा है उसको वो आगे अगले सीजन में किस तरह से लेके जाते हैं और उन्होंने क्या और सुधार अपने खेल में लेकर आए हैं। तो गेंदबाज भी अच्छे हैं, तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की तो भरमार है। एक जो हल्की सी कमी जो नजर आती है, जो पिछले कई सालों से हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, वो एक अच्छे ऑफ स्पिनर की कमी है। वॉशिंगटन सुंदर है, जी हाँ बिल्कुल अच्छे, अभी हाल में भी उन्होंने मैच खेला है, लेकिन वो थोड़ा सा ना बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ ज्यादा चले जाते हैं कि बैट्समैन अच्छे हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी, आपको एक आउट एंड आउट ऑफ स्पिन गेंदबाज एक अच्छा चाहिए जो बल्लेबाजी भी करे तो वो और बेहतर है। तो ये थोड़ा सा अभी भी खोज की जरूरत है कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ स्पिनर, नहीं तो लेग स्पिनर्स भी आपके पास हैं,
कई लेग स्पिनर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, सौरभ कुमार है आपके पास, शाहबाज नदीम है आपके पास, अभी हाल में हमने धर्मेंद्र सिंह जाडेजा को खेलते हुए देखा, शम्स मुलानी को खेलते हुए देखा, तो ये सारे लेग स्पिनर्स की आप बात करें तो वो भी युजवेंद्र चहल है आपके पास, आपके पास चाहर खेलते हैं वो भी एक अच्छे लेग स्पिनर है, ऐसे ही आपको और भी कई लेग स्पिनर दिखेंगे। लेकिन जहां आप ऑफ स्पिनर्स की बात करने आ जाते हैं, वहीं अश्विन के बाद एक वॉशिंगटन सुंदर के बाद फिर आप ऑफ स्पिनर के बारे में ढूंढने लगते हैं कि अब कौन और कौन, तो ये एक दिशा है जहां काम करने की जरूरत है। नहीं तो हर विभाग में आप मानिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होना खिलाड़ी अपनी अपनी एक जगह और अपना एक नाम, अपनी एक पहचान हर साल बनाता जा रहा है। अगर ऋषभ पंत नहीं है तो फिर और क्या विकल्प है डोमेस्टिक क्रिकेट में? ईशान किशन को भी हार में मौका मिला है, गेयस भरत उससे पहले वो भी एक अच्छे विकेट कीपिंग थे। थोड़ा सा ये आपको एक पहले खुद समझने की जरूरत है कि आपको विकेट कीपर विकल्प जो है वो किस तरह का चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो विकल्प हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं भिन्न, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसलिए थोड़ा हो जाता है भिन्न हो जाता है क्योंकि कई बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में पीछे कीपर के पास गेंदें ही बड़ी कम आती हैं, तो उसका रोल जो है कई बार वो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो कि भैया हमें ज्यादा बेहतर बैट्समैन चाहिए, विकेट कीपिंग हाँ थोड़ी सी तो अबव एवरेज होनी चाहिए लेकिन बैट्समैन उसका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं होता क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो 5 दिवसीय क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट 5 दिनों में खेला जाता है, तो वहां आपके जो विकेट कीपर का प्रदर्शन है वो सिर्फ एक सेशन या एक दो या एक 3 घंटे की बात नहीं है, वो 5 दिन तक लगातार उसका प्रदर्शन एक तरह का बेहतर से बेहतरीन होता रहना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा सा रुझान जो है टेस्ट क्रिकेट की जब आप करें तो उसकी विकेट कीपिंग की जो क्वालिटीज है, उसकी विकेट कीपिंग किस तरह की है, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर वो एक अच्छा बल्लेबाज भी है तो सोने पे सुहागा, लेकिन विकेट कीपिंग पे उस वक्त टेस्ट क्रिकेट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अपने खिलाड़ी के तौर पर हमेशा ये हिदायत दूंगा कि आपके हाथ में जो चीज है उसी पे ध्यान दे और आपके हाथ में सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना, करते रहिए और बाकी ऊपर वाला ख्याल रखेगा।